आज आम गांव में देव यात्रा का कार्यक्रम था। हमारे अंतागढ़ क्षेत्र के और पूरे बड़े डोंगर और बस्तर क्षेत्र के जो प्रमुख देवी देवता है वहां पे जमा हुए कल से, और वहां पे यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है। मैं एक पुजारी हूं, बैगा हूं, इसलिए मुझे भी निमंत्रण था, इसलिए मैं वहां आया था। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कांकेर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है, इसलिए मैं देवी देवताओं से भी आशीर्वाद मांग रहा हूँ। साथ ही साथ रास्ते में हमारे बड़े डोंगर में माई दंतेश्वरी के मंदिर, वहां भी गया। इधर आलोर झाटी बन वहां के भी शीतला माता और गांव के जो समाज प्रमुख हैं, गायता हैं, पुजारी हैं, मांझी हैं, हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, सभी लोगों से मैं आशीर्वाद मांग रहा हूँ। निश्चित रूप से अब की बार फिर से मोदी सरकार, ये नारा को लेकर के हम काम कर रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में और भी प्रचंड बहुमत से जीत करके आएगी। आपको बैगा के नाम से क्यों जाना जाता है? हमारे आदिवासी और खास करके बस्तर क्षेत्र में जिन व्यक्तियों को देवी देवता आता है उनको पुजारी बैगा सिरा के नाम से जाना जाता है, और मेरे को भी देवी आता है, इसलिए मुझे बैगा सिरा कहा जाता है। ये लगभग 15 से 20 साल हो गए। इस प्रकार के हमारे परंपरा में है, हमारे संस्कृति में है, हमारे समाज में है। पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि इससे पहले जो भी सांसद बनता था, कोई किसान होता था, मजदूर होता था, व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारी, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता था। एक पहली बार देश के इतिहास में किसी बैगा पुजारी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है।